नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल मैथ इन हिंदी में। हरियाणा ग्रुप डी की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और जनवरी 2019 में इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं जो आपके पास होने चाहिए और कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो अभी आपको बनवाना पड़ेगा, तो टोटली इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बने रहिए आने वाले 2 से 2.5 मिनट के लिए इस वीडियो के साथ। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हों तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हरियाणा के सभी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और 100% एक्यूरेट ही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन सा डॉक्यूमेंट अभी हमें बनवाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में सबसे पहले है कि मुझे एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ लेकर जाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो सबसे पहले लिखा हुआ है, मतलब कि जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था, यानी हरियाणा ग्रुप डी का फॉर्म जब आपने भरा था तब आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लिया था, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। नंबर 2, आपको एक एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, यानी अथॉरिटी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड बोला जाता है वो मिलेगा, तो वो भी आपने अपने साथ लेकर जाना होगा। तीसरी चीज, आपके पास DMC होनी चाहिए, 10th से लेकर आगे तक की सभी, मतलब 10वीं, उसके बाद 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या कोई भी आपने अगर कोई डिप्लोमा किया हुआ है, यानी जहां तक आपकी क्वालिफिकेशन है सभी, या जो आपने अपनी परसेंटेज उस फॉर्म में फिल की थी, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका है, चाहे भर्ती 10वीं लेवल पर हो, 12वीं लेवल पर हो, आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में लेकर जाने हैं। नेक्स्ट, एज प्रूफ। एज प्रूफ 10th की DMC भी एज प्रूफ होता है, साथ में आपको एक ID प्रूफ भी लेकर जाना होता है। उसमें आप अपना आधार कार्ड, मैंडेटरी आधार कार्ड ही लेकर जाइए, आधार कार्ड अपने साथ रखिए। बाकी भी आपका कोई डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आप अपने डॉक्यूमेंट अपने साथ ही रखिए, ओरिजिनल भी। नेक्स्ट, हरियाणा डोमिसाइल, यानी अगर आप हरियाणा से हो, हरियाणा रेजिडेंस जिसको कहते हैं, या हम हिंदी में मूल निवास कहते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तब ये उस कैटेगरी में नहीं आता, यानी जो हरियाणा से है, जिन्होंने फॉर्म भरते समय अपने आप को हरियाणा का रेजिडेंस बताया था, यानी हरियाणा का वासी बताया था, उसके लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट, जो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होता है, या जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, यानी आप जिस कैटेगरी से आते हो वो सर्टिफिकेट आपने अपने साथ लेकर जाना। ये सभी डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं और इनके साथ आपने 3-3 फोटोकॉपी सबकी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें से एक अथोराइज या गजटेड ऑफिसर, जिसको ये अथॉरिटी होती है, उससे ये अटेस्ट होने चाहिए। साथ में अगर रिजर्वेशन के साथ अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो भी आपको उसका सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए और वही होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर अप्लाई किया था, ताकि वहाँ कोई आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट, करेक्टर सर्टिफिकेट, सबसे इम्पोर्टेंट, ये 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप अर्बन एरिया से हो, मतलब शहर से हो, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपको ये इशू कर देता है, यानी MC में जाकर आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप रूरल एरिया में हो, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से हो, तो आप अपने गांव के सरपंच से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए, वो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए सभी की, कम से कम 3-3 फोटोकॉपी आप करवा लीजिए, उनको अटेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि जो भी जॉब लगना चाहता है उसको ज़रूर ये जॉब मिलेगी,
क्योंकि काफ़ी सीटें हैं तो लगभग सभी का नाम इसमें आएगा, इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी जल्दी होगा, बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी ही इसको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें एक जो चीज़ नहीं लिखी हुई थी, फिजिकल हैंडीकैप, वो भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो आपने मेंशन की है एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपका आपके पास अभी नहीं है या जो भी बन सकता है उसको बनवा लीजिए, बहुत कम समय है आपके पास। आपसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बनिए, और लगातार इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।